नमस्कार, एक बार फिर स्वागत है आपको टुडेज के हमारे इस न्यूज़ में। बिहार में राजनीति पारा बढ़ता ही जा रहा है, चाहे वो गठबंधन हो या फिर आपसी रंजिश हो किसी पार्टी के अंदर। जी हाँ, पार्टी की बैठक से भी दूर हो चुके हैं तेज प्रताप यादव, अब छोटे भाई ही संभालेंगे आरजेडी पार्टी। तेज प्रताप घर से पिछले 27 दिनों से गायब थे और उनको पटना वापस लाने तक की कोशिश तक विफल हो गई थी। तेज प्रताप की गैर मौजूदगी न केवल परिवार में ही बल्कि वो पार्टी की बैठक कार्यक्रम से भी लगातार दूर रहे हैं। बिहार विधानमंडल के शीतकालीन सत्र में भी तेज प्रताप न केवल सदन से गैर हाजिर दिखे बल्कि पार्टी के विधायक दल की बैठक से भी दूर रहे। भले तेज प्रताप ने ऐसा निजी कारणों से किया हो, लेकिन पार्टी के अंदर भी उनकी सक्रियता को लेकर दबी जुबान से ही सही चर्चा होने लगी है। आपको बता दें कि तेज प्रताप यादव फिलहाल महुआ सीट से राजद के विधायक हैं, लेकिन संगठन को उनके बेटे भाई तेजस्वी ही चला रहे हैं। तेज प्रताप की सार्वजनिक मंच से कई बार इस बात को दोहरा चुके हैं कि उनके छोटे भाई ही पार्टी को संभाल रहे हैं, लेकिन तेज प्रताप ने पार्टी के छात्र संगठन और RSS के समानांतर DSS की कमान अपने पास रखी है। आने वाले 2 सालों में लोकसभा और बिहार विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और ऐसे में संगठन से लेकर विधानसभा के सत्रों से तेज प्रताप की गैर मौजूदगी ने कई सवाल खड़े करने शुरू कर दिए हैं। इससे पहले भी पार्टी की न्याय यात्रा की कमान भी अकेले तेजस्वी ने ही संभाली थी, जबकि लालू के जेल जाने से पहले तक पार्टी की किसी भी बैठक और कार्यक्रम में लालू के दोनों बेटों की सहभागिता होती थी और दोनों को एक साथ देखा जाता था। तो वहीं दूसरी ओर अपने निजी मामले में परिवार से बगावत कर चुके तेज प्रताप यादव क्या राजनीति में भी अलग राह पर चलेंगे, ये ऐसा सवाल है जो पार्टी के साथ साथ तेज प्रताप और लालू परिवार दोनों के शुभचिंतकों के दिमाग में कौंध रहा है। पहले से ही दोनों भाइयों के बीच वैचारिक मतभेद की खबर आने के बाद अपनी पत्नी ऐश्वर्या को तलाक देने के मामले तक तेज प्रताप यादव ने यह जाहिर कर दिया है कि वो अपने फैसले खुद लेंगे और लेते रहे हैं। अब जबकि तेज प्रताप अपने घर से और पार्टी से इतने दूर दिख रहे हैं और अलग थलग जैसे रह रहे हैं, इसका कहीं ना कहीं बहुत गहरा प्रभाव पड़ने वाला है RJD पार्टी में, और अगर RJD में प्रभाव पड़ रहा है तो इसका प्रभाव बिहार के राजनीति में भी देखा जाएगा। आपके क्या राय है, आपको क्या लगता है, इन चीज़ों को देख करके आप भी शेयर करें हमारे साथ, बने रहें हमारे चैनल के साथ। थैंक यू सो मच। अगर आप हमें YouTube पे देख रहे हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। हम फिर हाजिर होंगे कुछ नए खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।